गुरु जी का खालसा श्री वाहे गुरु जी की फतेह। मैं हमेशा की तरह दो लाइना तो गल शुरू करन लग्यांगा। यह अपने पंजाबी दे बहुत ही महान लेखक होए नेगे अवतार पाल जी। शायद इतने मेरे वीर बैठे ने किसी ना किसी उन्होंने नाम का चर्चा सुनिया होगा। उन्होंने की लिखा है, असी जिन्ना ने युद्ध नहीं किया तेरे साऊ पुत नहीं हां जिंदगी। इथे युद्ध तो भाव निजी लड़ाई तो नहीं है। जो बंदा आपस दे विच किसे नीच जी गल नूं लै के लड़दा गा, इथे युद्ध तो भाव है जिवें पुराने समें तो लाओ लिखते ना सब तो पहला राजे महाराजे हुंदे सीगे, वह आपस के लड़ते होंगे सी कि लखां करोड़ां सैनिक एक दूजे नूं जित हासिल कराउण लई राजे नूं फरमान हो जांदे सी, लड़ाइयां लड़दे सी। उस तो बाद अंग्रेज आए, जिवें साडे स्टेट सैकटरी साहब ने कहा कि चंद क गिणती दे अंग्रेज इन्ने ज्यादा भारतीयां ते राज किवें करके, उह राज किवें करके। दोस्तो मैं एक छोटी जी उदाहरण देना चाहना, जिवें एक सर्कल दे विच एक हाथी आया, बिलकुल हाथी दा बच्चा सी उह जदों सर्कल दे विच आया सीगा, उदों उसनूं संगलियां बांधदे सीगे, उह संगलियां वी तड़ा तड़ा भजदा सीगा क्योंकि उदों उहनूं आदत नहीं पई सी, जोर मारदा सीगा ते संगलियां तोड़ के भज जांदा सी। ते पर जदों उह वड्डा होया संगलियां की बजाय सिर्फ ओनू रस्सिया नाल ही बन के रखन लग गए। क्यों? क्योंकि ओनू गुलामी की आदत ही इन्नी पै गई सी कि हुण ओह संगल जां रस्सा तड़ाउण की कोशिश ही नहीं करता सी, ते इस करके ओनू पता ही नहीं सीगा कि संघर्ष की हुंदा। ओह बस ओही गुलामी नूं ही अपनी जिंदगी समझण लग गया सीगा। इसे तरह अंग्रेजां तों आपां भारती गुलामी अपनी जिंदगी समझण लग गए सी। जे ओह महान शहीद योधे ना उठदे तां अंग्रेजां तों वी अपना खेड़ा नहीं सी छुटना। तां आपां गल फिर उठी आउणे आ कि चाहे राजे महाराजे सीगे ओह आपस दे विच लड़दे सी युद्ध करदे सी, चाहे आपां अंग्रेजां नाल करदे सी, हुण सरकारां नाल करदे आ। सिर्फ कुछ क नीतियां चेंज हुई ने, धिर चेंज हुई कह लो ला लो, युद्ध उही है। पहला राजा महाराजे का सी ओह हुंदा सीगा आपदे राज नूं लैके अंग्रेजां नाल जिवें सी बिलकुल उवीं हुण सरकारां नाल है, इहदे विच बिलकुल भी कोई फर्क नहीं है। हाँ इन्ना जरूर है भी थोड़े जो खून सीगा पहला जो सीगा सी शहीदियां शहीदां दा सी ओह अज नहीं हैगा, उन्ना दलेरी वाला खून नहीं देखण नूं मिल रहा। ते उदों काफी सूरमे सीगे जिन्हां दी बदौलत घट्टो घट्ट आपां अंग्रेजां तों तां छुटकारा पा लिया, पर इह नीच सरकारां अपने पल्ले पै गईआं। सो दोस्तो मैं कल भी कट्टड़वाद ते गल कीती सी कि इह कट्टड़ता करके हो रहा सारा कुछ, हुण आपां नूं इह रणनीति चेंज करनी पऊगी। ते जे मुहम्मद सदीक वर्गे हंसराय हंस वर्गे जिन्हां नूं मैनूं नहीं लगदा कोई इतिहास दी राजनीति दी कोई पूरी भी जानकारी होगी, ओह एमपी बन सकदे ने, तां मैनूं इन्हां दा पता कि मेरे पंजाब दा किसान इन्ना कमजोर नहीं, इन्ना ऊणा नहीं कि ओह इक एमएलए नहीं बन सकदा, एमपी नहीं बन सकदा। तो मैं तो यही कहूंगा कि कमान अपने हाथ च लैनी पऊगी, इन्हां राजनीतिक पार्टियां पिछे लग के कोई फायदा नहीं। वध तो वध वधिया आजाद उम्मीदवारां नूं चोण दंगल दे विच उतरना पऊगा, जां मैं तां कहिंदा अपनी जो किसान यूनियन है इही कोई ना कोई छेती उपराला करे तां जो 2022 चोण वालियां चोणां च वी आपां वध तो वध वध चढ़ के हिस्सा लईए। इन्ना ही कहिंदा होया, इजाजत लवांगा। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु।